हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। गाइस ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। तो गाइस यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंटर्नशिप ऑफ़र की जा रही है। ओके गाइस, तो गाइस यहां पर आपको इस इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और इसके कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या होने वाला है। सो गाइस मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो गाइज़ यहाँ पर हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है आवर विज़न, उसके नीचे आप देखेंगे हु वी आर। ओके गाइज़, और यहाँ पर व्हाट वी डू, और उसके बाद इंगेज विद अस। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर्नशिप। तो गाइज़ इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके गाइज़, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पर हम क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज हम जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी रिगार्डिंग दिस इंटर्नशिप। ओके गाइज, तो देख सकते हैं गाइज हमारे पास ये PDF फाइल ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इस इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है टू फेमिलियराइज इंटरेस्टेड एंड विलिंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स लॉ मैनेजमेंट एंड फाइनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपटीशन एक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पर इट इज़ नाइदर ए जॉब नॉर एश्योरेंस फॉर ए जॉब इन द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो गाइज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ना तो ये एक जॉब है ना ही यहाँ पर आपको जॉब एश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सिर्फ एक इंटर्नशिप है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एप्लीकेबल टू इंडियन नेशनल्स ओनली। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर है इंटर्नशिप इज़ ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ विद एक्सपोजर टू कॉम्पिटिशन लॉ। उसके बाद गाइज यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स विद अ प्लेसमेंट इन हैंड आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो गाइज अगर आप यहाँ पर इन चार कोर्सेज में से कोई कोर्स कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की अगर बात करें यहाँ पर MA MSc इकोनॉमिक्स में अगर आप कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद MBA वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लॉ की अगर बात करें सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ द बैचलर्स डिग्री इन लॉ 3 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और फोर्थ एंड फाइनल ईयर ऑफ द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन लॉ एंड स्टूडेंट्स हु हैव टेकन थर्ड ईयर एग्जाम एंड आर एंटरिंग द फोर्थ ईयर। उसके बाद LLM वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं रेगुलेटरी गवर्नेंस, MA MSc अगर आप रेगुलेटरी गवर्नेंस में कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ग्रुप ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद यहाँ पर स्कीम ऑफ इंटर्नशिप की अगर बात करें गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर्नशिप इज नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। गाइज वैसे तो नॉर्मली इस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 1 मंथ है बट ये 2 to 3 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है। ईच मंथ देयर विल बी अप टू 15 इंटर्न्स। सर्टिफिकेट विल बी इश्यू टू द इंटर्न्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर इंटर्नशिप। उसके बाद ऑनोरेरियम की अगर बात करें एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 पर मंथ विल बी गिवन एज ऑनोरेरियम ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर, एप्लीकेशन इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। गाइज यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी लिखना होगा 200 वर्ड्स में। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मंथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके लिए पहले से ही वहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। सपोज कीजिए अगर आप
नवंबर मंथ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 अक्टूबर तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो गाइज अप्लाई करने के यहाँ पर तीन तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट गाइज यहाँ पर इन्होंने एड्रेस दिया है, इस एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और यहाँ पर आपको इनवेल्प के ऊपर ये लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर मंथ ईयर, यानी कि जिस भी मंथ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सपोज अगर नवंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर नवंबर 2023। ओके गाइज, और इसके अलावा गाइज यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इनकी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी ईमेल्ड एट इंटर्नशिप एट द रेट cci.gov.in, इस पर ईमेल कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें आपको यही लिखना है एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप फॉर मंथ ईयर, ठीक है। और गाइज तीसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर अदर मोडालिटीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पर लिखा हुआ एंट्रेंस विल बी प्रोवाइडेड विद मिनिमम लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफिस स्पेस विद इंटरकॉम एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज़। तो गाइज इस PDF फाइल को आप अच्छे से पढ़ लेना बिफोर अप्लाइंग, अगर आप एलिजिबल है इस इंटर्नशिप के लिए। और इस PDF फाइल को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है गाइज। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद गाइज यहाँ पर सर्टिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन बाय इंस्टीट्यूशन। ओके गाइज ये सभी चीज़ें आपको फिल करके बाय पोस्ट सेंड कर देनी है या फिर आप ईमेल कर सकते हो। उसके बाद गाइज हम यहाँ पर बैक आएंगे। यहाँ पर गाइज जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अप्लाई नाउ, तो गाइज यहाँ पर जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओके गाइज यहाँ पर जैसे ही आप सारी चीज़ें फिल कर दोगे उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और वन बाय वन आप गाइज इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके गाइज, सो गाइज अगर आपको इस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो गाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके गाइज, होप गाइज आपको इस इंटर्नशिप के बारे में सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इफ़ यू हैव एनी थॉट्स एंड क्वेश्चंस फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट्स बिलो। ओके गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।